ये पूरा हैवल्स के इंडक्शन है ना, ये एक एक सर, करके बताइए। हाँ, एक हाँ एक मॉडल, एक ये क्या मॉडल सबसे हुआ? पहली बात, ये हमारा में आता है एचडी डिवीजन। एचडी डिवीजन इन द सेंस स्मॉल डिवीजन अप्लायंसेज। इसमें क्या क्या आता है सर, कवर होता है मिक्सी, इंडक्शन, हमारा पर्सनल ग्रूमिंग का सामान और जितना भी जो डेली का यूज होता है आयरन वगैरह, सब एचडी डिवीजन में आता है। तो उसी का एक पार्ट है सर, ये है इंडक्शन। इंडक्शन को आप सबको पता है, ये कुकिंग के लिए बेस्ड है, यूज़ होता है। इसमें टाइप्स आता है, कुछ टच आता है, कुछ आपका कीपैड आता है। तो हमारा दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये हैवेल्स इंस्टा कुक बोलते हैं इसको। ये मॉडल हो गया, इसमें हमारा टीएन हो गया, ये मॉडल एसटीएन ये मॉडल हो गया। ये आ गया 2000 वाट दो का, हज़ार वाट का ये इंडक्शन है। बाकी सब इसका देखा जाए, सभी फीचर्स आपको डिस्प्ले दिखेगा इसमें, ऐसा अच्छा कुछ है। नहीं है। आप जब इसको ऑन करेंगे, पावर यहाँ से ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद सारा कुछ जैसे हॉट पॉट, अच्छा ये स्टील बटन फ्राई, जो सब मैनुअल है ना, ये सब? हाँ सब सब मैनुअल है सर, मैनुअल बटन है ना इसमें। जैसे जनरली आपको बॉईल कुछ करना है तो बॉईल का बटन है डायरेक्ट, और सूप के लिए कुछ डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई का बटन है यहाँ पे। और रहा बात, इसमें टाइमिंग भी है। जैसे जनरली आप कुछ काम में बिजी होने वाले हैं, तो जैसे हमको पता है कि 15 मिनट में कोई चीज़ बन जाता है, तो आप 15 मिनट का टाइमिंग फिक्स करके छोड़ दिए, वो 15 मिनट चलेगा, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। हाँ टाइमर। अच्छा यहाँ पर कुछ लिखा गया, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज चेक इनपुट एसी मेन वोल्टेज। अच्छा ये सिग्नल दिया गया, लो होने से लो शो कर देगा और हाई वोल्टेज रहने से आपको हाई इसका डिस्प्ले में शो करेगा। तो उस टाइम में आपको इनपुट वोल्टेज चेक करना है, ये एरर के केसेस में हाँ। कोई चीज़ लिखा गया जनरली इसमें। क्या होता है कि कोई हम लोग हैवी अमाउंट, जैसे कोई चीज़ कम रहा, कोई एक गिलास पानी रहा, कहीं कहीं आप 5 गिलास मतलब एक मतलब हाई क्वांटिटी में कुछ रहा, तो उसको ज़्यादा फ्लेम चाहिए या फिर ज़्यादा पावर चाहिए, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट प्लस करके उसको पावर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। वही दिया है एरर। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद ये दूसरा मॉडल फिर एक दूसरा इंस्टा कुक ETX है, ठीक है। ये भी सब वेरिएंट है, सबका फंक्शन देखा जाए तो कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन इसमें देखिए इसमें लुक थोड़ा चेंज किया गया। इससे पहले वाला मॉडल में हमारा कॉर्नर में पावर बटन वगैरह था, इसमें क्या है कि इसमें फेस फ्रंट फेस में दिया हुआ है और वर्किंग इसका सेम है। आप इसको ऑन करके फ्राइड ग्रेवी का और मैनुअल में जाके, मैनुअल में जैसे कि कोई कोई चीज़ हम लोग बॉइल करते हैं तो अपना सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, 1600 या 1700 या फिर 500 या 400 वैसे, तो वो आप माइनस प्लस करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। एडजस्टेबल दिया गया ना, ये नीचे वाटेज का है और ऊपर में आप डिग्री, कितना डिग्री में करना है आपको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। जनरली दूध वगैरह 100 डिग्री में बॉइल्ड होता है या 160 में टेम्परेचर चाहिए उसको, धीरा धीमा आँच में के लिए करना चाहिए, तो ये पूरा टेम्परेचर दिया हुआ है और ये वाटेज लेता है, ये शो करेगा आपको वाटेज के हिसाब से। ठीक ठीक है। फिर ये आते हैं इंस्टा कुक PT, ठीक है। इसका थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है, ऐसा ऐसा जस्टर मतलब ये आपका ये दिया टफेंड पैड जैसे ऊपर हल्का सा उभरा हुआ है, थोड़ा डिज़ाइन वाइज चेंज किया इसमें हैवेल्स। और इसमें भी सब सेम सब मिलेगा आपको, कॉर्नर में पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, एक इसमें मैनुअल भी दिया हुआ है, बाकी 3-4 फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेवी, डोसा, फ्राई एंड बॉइल के लिए। और इसमें भी सेम फंक्शन है, आप मैनुअली इसको चढ़ा के पावर अपना हिसाब से ये आप कम कम ज़्यादा करके, जिसको मतलब जो कुकिंग के लिए परफेक्ट हो वो आप दे सकते हो, दे सकते हो इसको वही सिस्टम। दूसरा मॉडल आया क्या, न्यू मॉडल? हाँ ये न्यू मॉडल, मतलब कंपनी पिछले 2 साल से इसको कंटिन्यू कर रही है। इंस्टा कुक DC 16 मतलब 1600 वाट में ये कंफर्टेबल है। और दूसरा चीज़ है कि ये टच स्क्रीन है, ये अब तक हम लोग पहले भी जितना मॉडल्स देखे वो कीपैड एंड बटन वाला मॉडल बना सकता है जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, बट ये टच में आता है, ठीक है। टच है मतलब एक सिंगल पैनल रहता है ये, मतलब इसका जो ऊपर का बॉडी रहता है सब सेम रहता है, बस इसमें जस्टर रहता है जिससे आप टच करके इसके फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी फंक्शन सेम रहता है, यहाँ पे आप एक चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, चाइल्ड लॉक जैसे कि आप काम कर रहे हैं लेकिन घर में कोई बच्चे लोग भी है, ठीक है, वो इसका फंक्शन या फिर टेम्परेचर को आके या गलती से वो लोग कुछ ना ये कर दे अच्छा, उसको हार्म ना करे या फिर कुछ चढ़ा कर, तो ये चाइल्ड लॉक है, आप इसको कर देंगे तो आप जो सेट करके रखे हैं वो उसी में रहेगा, कोई अच्छा बटन ऑपरेट नहीं होगा। अच्छा कोई बटन ऑपरेट हाँ नहीं, कोई बटन ऑपरेट नहीं होगा। फिर आपको जब काम रहेगा तो चाइल्ड लॉक हटा के अपना अपने हिसाब से कॉइल मैक्सिमम फंक्शन में जाके इसको ऑपरेट कर सकते अच्छा, हैं। इसका दो रेंज अवेलेबल है हम लोग आप देख रहे हैं, एक रेंज है TC16 और TC18, मतलब 18 मतलब हो गया 1800 वाट का, ठीक है। ये भी टच है, ये थोड़ा ग्लॉसी में है, ये थोड़ा मैट फिनिश में है,
अच्छा अच्छा, इसमें कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा दिया गया, जैसे इसमें सोप वोप का इसमें उतना नहीं है। हाँ, इसमें इसमें भी कुछ कुछ है, देखिए आप देखिए ध्यान से देखेंगे, ऑयल स्टीम एंड करी ये थोड़ा सा ऊपर बाइंड कर दिया है, इसको क्या हाईलाइट कर दिया गया ताकि आपको जो कस्टमर कहीं ना कहीं लेडीज लोग यूज करती है तो उन लोगों को दिखे और वो प्रॉपर अपना वन टच से काम कर सके। अच्छा, उसी जगह पे वो सेटिंग कर सकते हैं अपना, कर सकते हैं जहाँ पर जो आपको जिस टाइप की यूज है, जैसे सूप है तो बॉयल हो गया, करी हो गया, मिल्क हो गया, स्टीम हो गया, हॉट पॉट हो गया एंड फ्राई हो गया। फ्राई में जनरली आदमी पैन यहाँ चढ़ा दिया, डायरेक्ट फ्राई बटन दबा दिया और डीप फ्राई वो लाइट फ्राई जो हो गया अपने हिसाब से, अगर उसको उस समय भी अगर टेम्परेचर उनको एडजस्ट करना है तो ये प्लस माइनस दिया हुआ है, ज्यादा चाहिए तो प्लस कर देंगे और कम चाहिए तो माइनस कर देंगे। ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 1800 वाट लेगा। हाँ, मैक्सिमम। और इसमें 1600 और एक जो आता है 2000 टीसी, वो 2000 वाट का होगा। और वो अगर उसका बात करेंगे तो मतलब 2000 वाट लगभग हम लोग को आपका लगभग 250 सीसी तक टेम्परेचर तक वो गर्म कर सकता है। ठीक, क्योंकि हमारा 1800 लगभग 240 डिग्री तक जाता है।